गुड मॉर्निंग। हम तो जस्ट उठे हैं और वो देखो अंकल हमसे पहले आकर उन्होंने आग भी पूरी जला दी हमारे लिए। ये देखिए, ये है हमारी आज की सौगात। अंकल लेके आए हमारे लिए नींबू, टमाटर और इसमें शिमला मिर्च भी लग रही है मुझे। कुछ नया बनाने की वो आपको जल्दी बताएंगे उसके बारे में। और जैसे आज हमारा खाना बाहर से ही आ रहा है, बाहर मतलब होटल से नहीं, दीदी के घर से आ रहा है, तो हमने सोचा आज कुछ नया बनाया जाए। जल्दी आओ आकाश, ऐसे स्लो स्लो काम नहीं चलेगा। थोड़ा दोबारा भूज गई थी अब आकाश तो। ओह, इनका तो तरीका ही एकदम यूनिक है। मैं स्पेशली पतीला लेके आई थी, पीतल का पतीला जो अभी काला हो चुका हुआ है, आग पे रखने के लिए कि हम पीतल के बर्तन में अब से कुछ बनाएंगे खाएंगे। ये बन रही है हमारी चाय। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम बना रहे हैं कावा चाय। ये हमारी चाय पत्ती, ये डल गई इसके अंदर शुंठ, वो मतलब होता है, और ये थोड़े से लौंग, गुलाब की पत्तियां। क्या बना रहे हो? गुलाब जल तो नहीं बना रहे? नहीं, ये बना रही हूँ मैं कहवा चाय। तो इसका सारा सामान मैं घर से ही डाल के ले आई थी, क्योंकि जैसे मुझे जुकाम हो गया हुआ है तो उसके लिए सर्दियों में ये बेस्ट चीज़ होती है पीने के लिए। और अगर आप मीठा चाहते हैं इसके अंदर तो आप हल्के से दो दाने मिश्री के डाल दीजिए, और अगर नहीं है मिश्री तो शहद डाल दीजिए, जो भी आपको पसंद हो। और ऐसे थोड़ी देर में कावा चाय रेडी हो जाएगी। दूध डलेगा इसमें? नहीं डलेगा। नहीं, बिल्कुल दूध नहीं। इसका फायदा क्या है फिर? इसका फायदा है सर्दियों में ये आपको वार्म्थ देती है, इंटरनल वार्म्थ देती है। और ये कश्मीर की कहवा चाय है। कश्मीर की कावा चाय हिमाचल प्रदेश में। लो जी, पिलाते हैं फिर आज आपको। तो ये हमारा कहवा हो गया है रेडी आज का। आपको लगने में, देखने में थोड़ा काढ़ा जैसा लग रहा है, कैसा है सर रिव्यू इसका? एकदम मस्त। जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो इसका टेस्ट और इसके बेनिफिट्स दोनों का पता लगेगा हमें। तो एक बार फिर पानी गर्म हो रहा है क्योंकि हमको धोने हैं कपड़े, क्योंकि रोज़ रोज़ पहाड़ों पे नहाना और ट्रैवलिंग में हो नहीं पाता है। सो अभी कल कितने परसों हम नहाए थे, तो आज मैंने कपड़े एकदम चेंज कर दिए हुए हैं। और थोड़े से कपड़े जो हैं उनको धो लूँगी। आकाश कहाँ हो आप? अच्छा, रूम में। तो आपके पास पॉपअप टेंट नहीं है? पॉपअप टेंट लगाएंगे जी। अच्छा, मतलब फैसिलिटी है, बस यूज़ नहीं करनी है। ओके ओके। ओहो, हवा लग जाएगी, डोले दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, ये क्या है, क्या क्या गुनवा रखा है? जे है हमारे टैटू। और ये कौन है? योनिया गर्लफ्रेंड, ओल्ड गर्लफ्रेंड। कैसा लग रहा है कपड़े बदल बहुत के? फ्रेश फ्रेश ऐसा फील आ रहा है कि बस जस्ट ना के आए हैं। पहाड़ों में ये भी जरूरी होता है इस तरह से। गाड़ी क्यों स्टार्ट कर ली? जा रहे हैं क्या हम? डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें अपना टेंट लगाना है, कुछ नया दिखाना है। कुछ नया दिखाएंगे आप लोगों को। फाइनली दीदी आ गए। गुड मॉर्निंग दीदी। वेरी गुड मॉर्निंग। और ये आ गया हमारा खाना, एकदम पहाड़ी खाना। और ये बाइक की आवाज बता रही है कि अंकल जी भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग अंकल जी। सो आज का ब्रेकफास्ट हमारा रेडी आ चुका हुआ है। ये खीर है, चावल है, ये दाल है, और दी इसे क्या बोलते हैं? लुश्का। लुश्का। तो दीदी लेके आए हैं हमारे लिए लुश्का। तो और आज हमारा खाना। पहाड़ी भोज भोग, भोग, भोग। देखो ऐसे कपड़े भी धोने पड़ते हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मजे चल रहे हैं जिंदगी के। सो आज हम एक नई चीज करने जा रहे हैं। ओनिंग तो आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया हुआ है किस तरह से हमें ओनिंग का सेटअप करते हैं, लेकिन उसी के साथ है ये हमारा 1 BHK का सेटअप पूरा। सो वो 1 BHK कैसे क्रिएट होगा वो आपको दिखाएंगे पूरी वीडियो में, डिटेल वीडियो।
एकदम सेफ है। ये कपड़ा जो यूज़ किया गया है, आप इसको अगर चाकू से कट लगा दो और फिर उसको ऐसे फाड़ो, ये फटेगा नहीं। ये सिर्फ इसको तीखी चीज़ चाहिए काटने के लिए। वजन भी है लगभग, ये पूरा टेंट विदाउट पाइप्स है 12 से 15 केजी का, बट सेफ्टी बहुत ज़बरदस्त है। ये है टीकू, इसकी उम्र कितनी दीदी? वो तो देते हो ना फीड के भी की। हाँ, ये खाना थोड़ी ना बच्चे, ले इसे लग रहा है ये कैमरा कुछ खाने के लिए है और तभी इधर को आता है। वो बोलते ना कर्म होता है, कर्म होता है, कोई नहीं, पति पत्नी के बराबर होते हैं। ले मेरे टिक्कू, बिक्कू इधर है, टिक्कू इधर, टिक्कू इधर हाथ में बच्चे, टिक्कू नहीं खाना तुम्हें, चला जा। टीकू घर नहीं जा रहा था इसलिए दीदी ने उसको गुड़ की दली के साथ, ओए छोटू छोट अभी चार, और हमने अपना मैट वैट कर दिया रैप, क्योंकि आज टेंट तो लगी गया हुआ है। सो आज हवा भी थोड़ी चल रही है, उम्मीद है आज थोड़ा जल्दी रैप अप करेंगे हम। ओ छोटू, हाँ जी, कहाँ गलती है आप, कहाँ है? आकाश ने यहाँ पे दो सियार देखे, बस मुझे ही नहीं दिखे। आज बादल कुछ जल्दी आ गए, लगता है जल्दी खाना खा के सोना पड़ेगा, और थोड़ा फॉगी फॉगी भी हो गया है। आज जिनको मैंने टेम्परेचर मतलब वो वेदर चेक किया था, तो लग रहा है कि अगले एक दो दिन में बारिश भी आएगी, और ये ऐसी जगह है जहाँ बारिश आएगी तो यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी। अब पता नहीं तब तक हम यहाँ रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, और रुके तो बर्फ़ के नज़ारे आपको भी दिखाएंगे। क्या बन रहा है जी? बस जी आग जलाने लगे हैं। चलो जी, गुड गुड करो करो। है ना मस्त तरीका, ये हमारी किस्मत अच्छी है, ये नियति ऐसी है कि हमें अच्छे लोग मिल रहे हैं, कसम से। आपको मिलते नहीं मिलते आई डोंट नो, पर अगर मिलते हैं हमें जरूर बताइएगा। अंकल सुबह सब्जी लेके आ गए, दीदी का तो आज पूजा थी तो उनने हमें पूरा खाना खिलाया, पहाड़ी खाना खिलाया, मज़ा आ गया, इतनी स्वादिष्ट चीज़। और वो जो उनके वो डोसा चपाती वट एवर वॉज दैट, दैट वॉज सो यम, मुझे बहुत ही पसंद आया। अब तो मुझे रेसिपी पूछनी पड़ेगी, मुझे खुद बनाना अगर कभी हो तो। ये जो प्यारा बच्चा देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पे एक आश्रम है पास में, उनके पास रहता था, तो जब से हम आए हैं एक्चुअली में आश्रम वाले चले गए, तो काइंड ऑफ मतलब कोई नहीं है उसका, तो हमारे पास आ जाता है, जो भी बनाते खाते हैं या फिर कोई बना के दे जाता है तो हम इसको हमेशा खिलाते हैं, उम्मीद भी रहती है। सो मैं ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके आसपास जो भी बेजुबान हो ना कुछ उसको खाने के लिए ज़रूर दे दो, क्योंकि जिसकी जुबान है ना वो मांग लेगा, जिसकी जुबान नहीं है वो नहीं मांग पाएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप कर सको तो। इधर दे। ये आकाश का जूता, ये इधर दे। पकड़ के खेल रहा है। अरे छोटू 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 शूज, नो 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 छोटू, ये आकाश का शूज लेके चले पड़ा। इसे लगा किसी और तरीके से खेलने नहीं आएंगे। छोटू नहीं, नहीं नहीं वो नहीं लाना है, वो टाइम लगेगा।